हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का ये वीडियो दिल थाम के बैठिएगा, और देखने वालों को भी कह दूँ झटके ना आने लगे, तो क्योंकि आगे वीडियो है ना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जो आशीर्वाद देते ना तो वो आशीर्वाद दीजिएगा, और जलने वालों की तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जलते रहिए। और बस भाई, हमारा वीडियो देख कर किसी को भाई तबीयत ना ख़राब हो या बीमार ना पड़ जाए, ठीक है? और ये है बाबू, जा रही है स्कूल, सो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो बाबू को मैंगो दिया था आज स्कूल में, और ये ड्रेस पहना है बाबू का, ड्रेस सब था। सो स्कूल का वीडियो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, बाबू का स्कूल में किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ है नॉर्मली, और काफ़ी मज़ेदार वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज का आपने बाबू का ड्रेस देखा ही है कि क्या पहना है उसने। वो बर्थडे ड्रेस तो नहीं है, और क्योंकि वो जा रही थी स्कूल, तो स्कूल का इस तरह से पूरा रेडी होके भेजा गया है बाबू को। मैंगो दिया गया है, बस कुछ मैंगो यहाँ भी लोगों के लिए रखा हुआ है। सो और अभी डे का है, सो मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली तो बिकॉज मैं जा रही हूँ बाबू के स्कूल में, जाने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छा आपको देखने वाली हूँ। बाबू का स्कूल बहुत अच्छा है, क्योंकि तो जाएंगे वहाँ, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होगा। और मतलब केक कटने का हो रहा था, पर बच्चे बहुत छोटे हैं ना, तो वो ऐसा ना मैसी कर दे, तो वहाँ चॉकलेट वगैरह ले ली गई है वहाँ सबको देने के लिए बच्चों को। और बाबू का मतलब ना वहाँ पे स्कूल बहुत अच्छा लगता है, प्ले ग्रुप है पूरा बच्चों का, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। तो व्लॉग में जो है ना मिस का करिएगा, पूरा देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने वाली बिंदी लगा रखी है, ये नग वाली देख रहे हैं, तो ये ना चमकती, शाइनिंग ज़्यादा करती है। तो बस मैंने ना हेयर वॉश किया था, तो हेयर ना अभी मैंने गीले हैं थोड़े थोड़े, तो बस सोच रही हूँ हेयर मेरे सुखा लूँ अच्छे से, और बस जाने वाले हैं हम लोग। बाबू गई है थोड़ी देर हुई है, उसको गए हुए ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, तो चलिए मिलते हैं सीधा बाबू के स्कूल में। सो यहाँ पे हम लोग आ गए थे तो बाबू की मस्ती शुरू हो गई थी, और यहाँ पे ना स्कूल दो प्लाट में बना हुआ है, थर्ड या फोर्थ फ्लोर तक बना हुआ है। सो यहाँ पे साइड में एक प्लाट अलग से लिया है उन्होंने, तो पूरा ये इतना प्ले ग्रुप के लिए नॉर्मली डेकोरेशन और इस तरह से पूरा एनऑल मतलब किया गया है, क्योंकि बच्चों को जानते हैं ना प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं, बाबू बहुत सबसे छोटी है ना बाबू क्लास में, और एक बच्ची और है, दो सबसे छोटे, बाकी जो बच्चे हैं ना थोड़े बड़े बड़े हैं। सो आगे आप लोगों को जो है ना बाबू का बर्थडे मतलब क्लास में किस तरह से सेलिब्रेशन किया गया, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करिएगा, और आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे सारी चॉकलेट्स बट रही हैं बच्चों के में, और सब बड़े बड़े हैं बच्चे, बाबू मेरी काफ़ी छोटी पड़ जाती है। सो क्लास में पढ़ाई तो अभी इतना नहीं करती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बाबू को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुश है। और मेरे टाइम पे तो मैं चॉकलेट नहीं बांटती थी, और ख़ासकर अगर मैं किसी को चॉकलेट देती तो मैं खुद ही उसको थैंक यू बोला करती थी, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी मेरी मम्मी बताया करती थी। और यहाँ बाबू को देख सकते हैं सबको बहुत अच्छे से चॉकलेट दे रही है, और ले भी ली थी और वापस से फिर उस बच्चे को दे दिया उसने। तो ये था स्कूल का वीडियो, पेरेंट्स को अलाउ नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं थे, हम लोग नीचे जो है मेन यहाँ पे मतलब पेरेंट्स रुकते हैं ना उस रूम में थे, और क्योंकि बहुत से बच्चे जो लेने आते हैं पेरेंट्स वो भी थे, और ये था कि अगर हम जाएंगे तो और भी जो है पेरेंट्स भी जाएंगे, इसलिए नहीं था। बस आ चुके हैं हम लोग, अभी काफ़ी देर हो गई आए हुए, और बहुत लग गई थी धूप, इतनी तेज़ है ना बाहर की, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। सो सेलिब्रेशन क्या है ना कि पेरेंट्स को अलाउ नहीं है अंदर जाना क्लासेस में, तो ऊपर क्लासेस थी, नीचे बाबू खेल रही थी थोड़ा बहुत, तो आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करवाया था बाबू से, पता था उसका बर्थडे था। और स्कूल का ऊपर जो है ना मैम्स सारी अभी रिकॉर्डिंग भेज देंगी, तो आपको आगे मैं क्लिप्स दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको जो वहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ है वहाँ पर, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा।
तो उन्होंने कहा था कि वीडियोज़ उन्होंने बनाया है तो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। सो अभी तो मैंने अभी मेरे पास वीडियो आया नहीं है तो अभी मैंने भी नहीं देखा है। सो आप लोगों को वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत अच्छी कुछ रस्म करने वाली हूँ, कुछ न्यू स्टार्ट किया है मैंने, कुछ सोचा है बेटियों के लिए कि बापू के बर्थडे होगा, सिया का बर्थडे होगा, तो आगे चल के यही रस्म हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी यही सब रस्में होती है जो हम स्टार्ट करते हैं तो ही आगे दर पीढ़ी जो है चलती रहती है। तो इसीलिए मैंने यही सोचा है और आई होप ये चीज़ बहुत जगह होती भी होगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और यहाँ पे तैयारी हो रही है, तो ये है थाली या इसमें कृपा, और आज की डेट पूरी दी हुई है 8/7/2022। और कटोरियों में, स्पून में, मतलब सब में ना, बर्तन में 5 बर्तन लिया था मैंने। सो उसमें नाम से क्या होता ना, एक याद होती है, और जैसे बर्तन यहाँ भी होते ना तो मतलब पता भी चल जाता कि हाँ ये किसका है। तो मैंने बर्तन, मुझे और भी डिज़ाइन अलग चाहिए थी बट वहाँ उनके पास इतनी थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूर मार्केट जाओ ना तो वहाँ पे आपको बर्तनों में हर तरीके की डिज़ाइंस मिलती है। सो जो जैसा भी था ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये खीर देख सकते हैं, यम्मी सी खीर भी रेडी है, खाना पूरा रेडी हो चुका है, ये कचौड़ियाँ रेडी हैं, पूरी और मतलब जो अजवाइनों की बनती है, प्लस राइस रेडी है, पुलाव, एंड ये यम्मी सी पनीर की सब्ज़ी जो कि जानते हैं स्पेशल ओकेजन में तो यही बनती है। तो बाबू के लिए ये पूरा खाना रेडी है और इस तरह से मैंने डेकोरेशन किया था, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था और सेम बिल्कुल वैसा कि वैसा ही सब कुछ अच्छे से हुआ है। और इस तरह से जो है ना, आप नए बर्तन लाइए। वैसे तो मतलब ये रस्म ना बंगालियों मैंने देखा है, जो मायके से बर्तन आते हैं बेटी के लिए और मतलब इस तरह से रस्म होती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रस्म जो है स्टार्ट करूं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, बाबू कितनी प्यारी लग रही है, वो तैयार भी खाने के लिए। तो पिछले साल बहुत ज़्यादा छोटी थी तो इस उस समय इतना ज़्यादा ध्यान और इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि पिछले साल बाबू को बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था और रेस्टोरेंट में था तो इतना कुछ। और अभी ना हम लोग खाने के साथ साथ दूध जो पिलाने की रस्म होती है तो उसको भी कर देंगे, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो अभी सिया ये भी कर देगी और सिया के हाथ से हम लोग कर रहे हैं, चाहे तो 5 लेडीज़ सुहागने करती हैं, या तो आप चाहे ना तो एक जो है कन्या है कोई उससे भी करवा सकते हैं। तो बाबू देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन सिया सबसे पहले मतलब तिलक करेगी, फिर उसके बाद जो है दूध वगैरह पिलाना, मिठाई खिलानी, तो ये सब होता है, और बस सिंदूर वगैरह लगाएगी और फिर उसके बाद खाने में जो जो है आप मतलब ना, इसमें ये नहीं कि आप दो ही चार चीज़ें रखें थाली में, आप जितनी चाहे उतने मतलब डिशेज़ रख सकते हैं बेटी के लिए। कहीं के रिवाज होता है किसी किसी 21 तरह के खाने मतलब इस तरह से होते हैं, तो आप जितना चाहे ना, मतलब आपके ऊपर है यार कि आप अपनी बेटी को कितना प्यार करते हो। यही मौका होता है, वैसे तो हर दिन होता है बेटियों का, पर ये सब स्पेशल होता है ना कि आप कुछ जितना हो सके स्पेशल कर सकें। और क्या है कि देखिए मेरे यहाँ क्या है ना, हम लोग अपनी बेटियों को इतना चाहते हैं कि ये नहीं कि बस एक ही दिन स्पेशल कर लिया बस हो गया, नहीं, हर टाइम जो है ना उनके लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, करते हैं। बाकी अगर दिखावे के लिए होना तो कुछ लोग होते हैं कि जब बच्चे होते हैं तो दिखावा कर देते हैं, फिर बाद में उनको जो है बताते कि हाँ बेटियां कितनी बोझ होती हैं। तो हमारे यहाँ जो है हम लोग बेटियों को इतना चाहते हैं ना, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों बेटियां ना, मेरी मतलब हुई ना तो बहुत मुश्किलों में हम लोगों को मिली, हम दोनों बहनों को इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं बेटियों में खासकर, क्योंकि जो कहते हैं जब ज़्यादा प्यार होता है ना बेटियों में तो बेटियां ना बहुत मतलब मुश्किलों में मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है तब जाके वो हमें मिलती हैं। तो मतलब एक सौभाग्य होता है कि हाँ आपके घर में अगर बेटी है ना तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, और उन लोगों को बहुत दुर्भाग्य होता है जो बेटियों की कदर नहीं करते हैं और उनको वो प्यार वो लगाव नहीं देते हैं, तो उन लोगों का तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग बहुत खुशनसीब मानते हैं हम लोग खुद को कि मेरे हमारे घर में दो बेटियाँ हैं। सो आज का यही सेलिब्रेशन था और आगे भी आप देखिएगा। आज बाबू हम लोगों के साथ जो है ना पूरी दोपहर सोई है, आज बाबू ने टोटल पूरा रेस्ट किया है। ये देखिए बाबू अभी डेकोरेशन दिखा रही है, कुछ फोटोज सिस्टर देखिएगा, सब बाकी बच्चे सारे वहां चले गए डेकोरेशन करवाने के लिए। अब बाबू हम लोगों के साथ मस्ती कर रही थी, बाबू ने मस्ती कर रही थी ना। और किसका बर्थडे नहीं अभी ना दिखाओ, किसका बर्थडे था अभी, आज किसका बर्थडे है? बर्थडे टू यू, अपना बर्थडे, इसको इतना पता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो आज मेरा ड्रेस चेंज कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा सुबह से गर्मी लग रही थी पहन लेता, तो अभी जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो रेडी होने के बाद अब आपको हट गई, दिखाओ फोटो हट गई।
अच्छा खाना पीना सब कुछ हो गया था, और आज का ये रस्म आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा था, और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अरे जी रेडी होने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आज एक शादी में जाना है, बहुत ही खास है, तो वहाँ पे देखो क्या होता है। मैं साड़ी पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी, आई डोंट नो। सब कह रहे हैं साड़ी पहनो, क्या होता है। हाँ सो आज का ये डेकोरेशन है, एंड ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। आई होप ये डेकोरेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और बहुत ही अलग तरह का थीम हम लोगों ने मतलब सोचा था, और इस तरह का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन है। सो आगे जो है ना, मैंने व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट किया है। सो सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है आपके पास, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है वो वाला पार्ट भी, तो वेट करिएगा। और डेकोरेशन इस तरह की है, और आप लोग देख लीजिए कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाबू को ढेर सारा जो है ना आप विशेस दीजिए, आशीर्वाद दिया आप लोगों ने, वैसे भी मैंने कम्युनिटी में डाला था, थैंक यू सो मच। सो आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग वेट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे अच्छे वीडियो के साथ।